तो सभी बच्चों का स्वागत करता हूँ बेटा। आज सब लोगों का स्वागत है। ये हमारी जो स्पेशल सीरीज चल रही है, जिसमें हमने अभी तक के जो जो टॉपिक्स कर लिए हैं उन पर बातचीत करेंगे। आई होप सब लोग मुझे सुन पा रहे एक बार। ओके, और फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। जैसे मैंने आपको बोला, रिनेसा है, रिनेसा का टॉपिक हमने देख लिया है, ठीक है। और उसके अलावा मेटाफिजिकल पोएट्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने करा, ठीक है। और उसके अलावा नियो क्लासिकल एज तो अभी चल ही रही है। और इसके अलावा ड्रामेटिक आयरनी, सारे बच्चे सुन रहे हैं ना मुझे, ड्रामेटिक आयरनी। उसके अलावा क्लाइमेक्स, फिर उसके बाद कोरस एंड हमार्शिया। ये जो टॉपिक्स हैं ये हमारे शाम के बैच में हो रहे हैं। सारे बच्चे नोट कर लेंगे, नए बच्चों के लिए स्पेशली बता रहा हूँ। जो ये वाले हमारे एज पर द न्यू सिलेबस हैं टॉपिक्स, ये हमारे 3 PM वाली क्लास में हो रहे हैं। और जो ऊपर वाले, जो मैंने ये टॉपिक जो है आपको ग्रीन कलर से कर दे रहा हूँ, जो ऊपर के ग्रीन कलर के जो टॉपिक्स हैं, रिनेसा, मेटाफिजिकल और न्यू क्लासिकल एज, ये हमारी कौन सी क्लास में हो रहे हैं? ये हमारे 11 to 12 वाली क्लास में हो रहे हैं, ठीक है। 11 to 12 वाली क्लास में ये हो रहे हैं, और 3 to 4 PM वाली क्लास में ये हो रहे हैं। तो आफ्टर होली मैंने क्या किया है कि मैंने इस पर आप लोगों के लिए एक मिक्स्ड प्रैक्टिस बनाने की कोशिश करी है, ठीक है। तो हम लोग जो लिटरेरी टर्म्स के लिए, मैं सजेस्ट करूंगा कि सारे बच्चे मेरे, दो दो लिंक्स हैं लिटरेचर में। एक तो जो ये वाला 11 to 12 है, उसका नाम क्या है, केजे। अगर मैं आपको लिंक का नाम बताऊं तो केजे इंग्लिश लिटरेरी टर्म्स, तो ये आपका 6 मार्च करके है, ये वाला 6 मार्च वाला 11 AM वाला। और जो 3 PM वाला है, ये अभी आपने देखा ही, जिससे जुड़े हो आप, लिटरेरी टर्म्स कोर करके है, लिटरेरी टर्म्स कोर, ठीक है। तो ये आपका लिंक है, तो ये आपने सभी बच्चों ने देखना है। तो आओ देखते हैं क्वेश्चंस। फिर पहला क्वेश्चन है, ट्राई करो। रिनेसा बिगेन इन डैश सेंचुरी इन यूरोप विद डैश एज इट्स फादर, ठीक है। तो फिल द करेक्ट पेयर, ट्राई करो बेटा। ये सारे क्वेश्चंस मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट इन टॉपिक से निकाल निकाल के खुद से सेल्फ क्रिएट किए हैं। तो सारे बच्चे ट्राई करेंगे, देखते हैं। लेट्स सी हु 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 क्रैक्स द आंसर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट आंसर्स देखने को मिल रहे हैं काफी बच्चों के। देखो बेटा, इसमें सारे बच्चे ज्यादातर हमारे क्या कह रहे हैं, 13th सेंचुरी पिट्रार्क कह रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो मैं आपको बता दूं। जो पहला था वो मैंने आप लोगों के लिए जो है एक आप कह सकते हैं कि अच्छा सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए रखा था। तो इतने कॉन्फिडेंटली आपने गलत आंसर दिया है सारे बच्चों ने, कि मैं खुद पजल हो गया कि मैंने सही क्वेश्चन लिखा है कि नहीं, ठीक है। सब लोगों ने बी का आंसर दिया है कि 13th सेंचुरी और पेट्रार्क, बट दैट इज द इनकरेक्ट आंसर, ठीक है। रिनेसा बिगेन इन विच सेंचुरी? रिनेसा बिगेन इन 14th सेंचुरी। एंड हु इज द फादर? द फादर वॉज पेट्रार्क। तो 14th सेंचुरी और पेट्रार्क इसका आंसर था, एंड दैट्स वाई द करेक्ट आंसर इज नन ऑफ दीज। ये मिला ट्रेलर, नॉलेज जंक्शन सौरभ सर का ट्रेलर मिला या नहीं, ये बता दो, ठीक है। हाँ, ऐसे क्वेश्चन आएगा एलटी में, ठीक है। आया मजा एक बार, सब बता दो। ऑनलाइन की क्लास में सर धांसू क्वेश्चन था पहला क्वेश्चन, छुट्टी के बाद आए सर बिल्कुल ट्रैप हो गए, है कि नहीं। तो 14th सेंचुरी, जब पेट्रार्क 13th में पैदा ही नहीं हुआ। भाई पेट्रार्क का अगर तुम पूरा लाइफ स्पैन देखोगे तो 1304 से 1374 है ना, 1304 से 1374 को जल्दी से बताओ, 13th सेंचुरी पढ़ोगे कि 14th? जल्दी से बताओ, 13th पढ़ोगे कि 14th? 14th पढ़ोगे ना यार, तो 14th पढ़ोगे, और पेट्रार्क उसके फादर हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर तो मैं देख रहा था, एक भी बच्चे ने डी नहीं किया। हम लोग करीब 65-70 बच्चे जुड़ रहे थे, ठीक है। आओ अगले क्वेश्चन में, अब देखते हैं। विच हिस्टोरिकल डेवलपमेंट इज कंसिडर्ड एज द चाइल्ड ऑफ द रिनेसा? कौन से हिस्टोरिकल डेवलपमेंट को चाइल्ड ऑफ द रिनेसा कहा गया है? देख रहे हो क्वेश्चन एक से एक, बताओ। चाइल्ड ऑफ द रिनेसा, रिनेसा का चाइल्ड किसको कहा गया है, ये है क्वेश्चन ना। तो याद रखना, रिनेसा का जो चाइल्ड है वो पता है किसको कहा गया है? याद रखेगी पूरी क्लास, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिनेसा का जो चाइल्ड है वो रिफॉर्मेशन को कहा गया। किसको कहा गया? रिफॉर्मेशन, ठीक है। अब रिफॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं? प्योरिफिकेशन ऑफ रिलीजन। बेसिक लेवल पर अगर हम बात करें तो रिफॉर्मेशन का मतलब क्या है बेटा? प्योरिफिकेशन ऑफ रिलीजन, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्लियर हो गया। अब एक चीज ये याद रखना कि वैसे रिनेसा का मतलब तो हम जानते ही हैं, रीबर्थ ऑफ लिटरेचर, ठीक है। लेकिन बेसिकली रिनेसा का जो
साइड प्रोडक्ट है या उसका जो ऑफस्प्रिंग है वो रिफॉर्मेशन है। तो रिफॉर्मेशन का जो फादर है वो कौन है? इंग्लैंड में रिफॉर्मेशन के फादर किसको कहा गया है? मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन किसको कहा गया है? वाइक्लिफ को। इंग्लैंड में किसको कहा गया मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन? वाइक्लिफ। और मॉर्निंग स्टार ऑफ रिनेसा किसको कहा गया इंग्लैंड में? खाली इंग्लैंड की बात कर रहा हूँ मैं, यूरोप की नहीं कर रहा। तो चौसर। तो चौसर और वाइक्लिफ एटलीस्ट आपको याद रखना, रिनेसा का जो फादर है वो चौसर है। इंग्लैंड की बात कर रहा हूँ मैं, यूरोप की बात नहीं कर रहा। यूरोप में पेट्रार्क हो जाएगा, देखो पूरी क्लास ध्यान से सुनना, यूरोप में रिनेसा का फादर पेट्रार्क हो जाएगा, लेकिन इंग्लैंड की अगर हम बात करेंगे तो चौसर हो जाएगा। मॉर्निंग स्टार ऑफ रिनेसा और मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन वाइक्लिफ। ऐसी अगर रिफॉर्मेशन की बात यूरोप में करेंगे, देखते हैं कौन बता रहा है। हु इज नोन एज द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन या फादर ऑफ रिफॉर्मेशन इन यूरोप? यूरोप में रिफॉर्मेशन का फादर कौन है यूरोप में? जल्दी बताओ, पढ़ा रखा है मैंने, लेक्चरर वालों के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इतनी देर लगाओगे तो? हाँ, वेल डन पूजा भट्ट मैम, ठीक है। मार्टिन लूथर किंग, मार्टिन लूथर किंग जर्मनी के थे, मार्टिन लूथर किंग। विटनबर्ग थीसिस लिखा था इन्होंने, मार्टिन लूथर किंग साहब ने, MARTIN, मार्टिन लूथर किंग। कहाँ के थे बेटा? जर्मनी के थे। तो इन्होंने लिखा है क्या, 95 थेसिस, ये नोट कर लो यहाँ पर, 95 थेसिस, ठीक है। ये मैं हिस्ट्री पढ़ाता था ना वहां पर, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और एक और अनाउंसमेंट है बेटा नेट वाले के लिए, जो नेट वाले बच्चे हैं उन लोगों के लिए अनाउंसमेंट कर रहा हूँ। हम लोग हफ्ते में 3 क्लासेस शुरू कर रहे हैं 1 अप्रैल से। नेट हैज बीन माई, यू कैन से, फर्स्ट लव इन टर्म्स ऑफ माई टीचिंग पैशन। आई स्टार्टेड माई करियर बाई टीचिंग नेट ओनली, सो नेट को भी मैं छोड़ नहीं सकता हूँ। तो जो नेट के बच्चे होंगे PhD एंट्रेंस के, वो धीरे धीरे अपनी इंक्वायरीज रमेश सर को दे देंगे। हफ्ते में 3 क्लासेस चलेंगी नेट की, ठीक है। तो लंबा कोर्स चलाएंगे, महीने महीने के हिसाब से चलेंगे उसमें, ठीक है। तो ये अनाउंसमेंट कर दिया मैंने, तो आप लोग अपने नेट वाले जो हैं वो वहाँ पर इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो देखेंगे सारे बच्चे, विच इन्फ्लुएंशियल प्रिंटिंग प्रेस वॉज एस्टेब्लिश ड्यूरिंग द रिनेसा हेल्पिंग टू स्प्रेड नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन थ्रू आउट यूरोप, ठीक है। ये तो अगर हम देखें तो जिसने पढ़ रखा है मेरे से वो बता देगा, ठीक है। वो कह रहा है कि थ्रू आउट यूरोप, हम कह रहे हैं कि हेल्पिंग स्प्रेड नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन थ्रू आउट यूरोप, विच इन्फ्लुएंशियल प्रिंटिंग प्रेस। तो इसमें एक है कैक्सटन प्रेस, एक है गुटेनबर्ग प्रेस, एक है गुटेनबर्ग बाइबल, और एक है द रिकॉल ऑफ द हिस्ट्री ऑफ ट्रॉय। देखते हैं हु इज एसिंग द आंसर, ठीक है। गरिमा का देख रहा हूँ मैं, रविता का देख रहा हूँ, CM ने भेजा है, दीपिका ने भेजा है, सरनजीत, संतोष जी बहुत बढ़िया, मोमिन जहां, सीमा मलकानी बहुत बढ़िया, ठीक है, धीरज, काफी बच्चों के आंसर देख रहा हूँ। बट द करेक्ट आंसर इज, पूरी क्लास मेरे साथ यहाँ पर करेक्ट आंसर को बता रहा हूँ। देखो उसने क्या बोला है, उसने क्या बोला है, इन्फ्लुएंशियल प्रिंटिंग प्रेस, प्रिंटिंग प्रेस बोला है उसने, ठीक है। और प्रिंटिंग प्रेस जब वो बात कर रहा है तो कैक्सटन प्रेस यूरोप में कहां से आ गई पहले? कैक्सटन इंग्लैंड में थी। गुटेनबर्ग प्रेस इसका आंसर होगा, जो कि गुटेनबर्ग ने स्थापित करी थी, ठीक है, 1450s में, 1450s में गुटेनबर्ग ने स्थापित करी थी। कहाँ करी थी? मैंने शहर का नाम भी लिखा है, नोट कर लो, मेन्स, MAINZ। बिल्कुल डीप में जा रहा हूं मैं इस कॉन्सेप्ट में, मेन्स में, MAINZ, मेन्स में करी थी स्थापित, ठीक है, जो कि जर्मनी का एक शहर है। अरे करी थी कि नहीं एक बार बता दो यार, मेन्स में जर्मनी के शहर में गुटेनबर्ग नाम के एक, जिसको मिलेनियम मैन ऑफ द वर्ल्ड कहा गया है, मिलेनियम मैन ऑफ द वर्ल्ड गुटेनबर्ग ने स्थापित करी थी। तो प्रिंटिंग प्रेस का नाम पूछ रहा है, तो अब देखना, प्रिंटिंग प्रेस मैंने आपको बताया गुटेनबर्ग हो गया। अब इसमें गुटेनबर्ग बाइबल कह रहे थे कुछ, गुटेनबर्ग बाइबल तो बुक का नाम है ना जो उन्होंने निकाली थी। और रिसाइकल ऑफ द हिस्ट्री ऑफ ट्रॉय, इसको नोट कर लेंगे सारे बच्चे, इसको क्या कहा गया है? फर्स्ट प्रिंटेड बुक इन इंग्लिश, भैया बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये LT वालों के लिए, लेक्चरर वालों के लिए, फर्स्ट प्रिंटेड बुक इन इंग्लिश, ठीक है। ये विलियम कैक्सटन ने प्रिंट करी थी, द रिक्यूल ऑफ द हिस्ट्री ऑफ ट्रॉय, स्पेलिंग भी देख लेना। बट आंसर क्या है इसका? बी, आंसर इसका बी है। बट डी वाले में भी इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो मैंने बता दिया आपको, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, क्रॉशॉज सिक्युलर पोएम्स वर कॉल्ड डैश, अ स्टेप्स टू द टेंपल, द फ्लेमिंग हार्ट, डिलाइट्स ऑफ द म्यूज या विशेस ऑफ अननोन मिस्ट्रेस। क्रॉशॉ,
मेटाफिजिकल टॉपिक से पूछा है। मेटाफिजिकल में है कि नहीं क्रॉश ऑफ? मेटाफिजिकल पोएट्स के नाम बताओ फटाफट। जो नए बच्चे हैं बेटा वो मेरे लेक्चर देख लेंगे मेटाफिजिकल पोएट्स पे, मैं उसमें रिवीजन में फिर करा दूंगा, बट आपको पता होना चाहिए कौन कौन है। ठीक है, कौन है? जॉन डन है, और कौन है? जॉर्ज हर्बर्ट है, ठीक है, और कौन है? हेनरी वॉन है, ठीक है, और कौन है? क्रॉशो है, ठीक है, एंड्रू मार्वल है, एंड्रू मार्वल। तो इसका आंसर देखते हैं, डिलाइट्स ऑफ द म्यूज, ठीक है, डिलाइट्स ऑफ द म्यूज, ये एंड्रू मार्वल लिखा है मैंने, MAR। डिलाइट्स ऑफ द म्यूज जो है इनकी सेक्युलर पोएम को कहा जाता था, क्रॉशो की सेक्युलर पोएम्स को, ठीक है। अभी सेक्युलर वर्ड का मतलब क्या होता है भाई? सेक्युलर वर्ड का मतलब होता है, आपको पता ही है, सेक्युलर मीन्स नॉन रिलीजियस या रिस्पेक्टिंग ऑल रिलीजन्स, ह्यूमनिस्ट भी कह सकते हैं, ह्यूमनिज्म, ठीक है। सेक्युलर का मतलब ह्यूमनिज्म अप्रोच, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, धर्मनिरपेक्ष, करेक्ट, ठीक है। आई एम द पोएट, क्वेश्चन नंबर 5 में आओ फटाफट। आई एम द पोएट अगेंस्ट हुम जॉन डन्स पोइट्री स्पेसिफिकली रिवोल्टेड, आइडेंटिफाई। मैं वो कवि हूँ जिसके विरोध में जॉन डन की कविताओं ने स्पेशली विरोध किया, या जिसके विरोध में जॉन डन की कविताएं स्पेशली या स्पेसिफिकली लिखी गई। मैं कौन हूँ? हु एम आई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जॉन डन ने स्पेसिफिकली कौन से पोएट के विरोध में अपनी कविताओं को लिखा था? जिसने मेरे जॉन डन की क्लास पढ़ाया उसके लिए क्वेश्चन बिल्कुल वेरी इजी होगा, पूरी क्लास, बहुत अच्छा बेटा। एडमंड स्पेंसर, एडमंड स्पेंसर की पोइट्री के खिलाफ जॉन डन की पोइट्री थी। एडमंड स्पेंसर के लिए एक वर्ड भी यूज किया था मैंने, मेलीफ्लुअसनेस, ठीक है, मेलीफ्लुअसनेस, जो कि स्पेशली जॉन डन के, स्पेशली एलिजाबेथन, जो स्वीट साउंडिंग वर्ड्स होते हैं ना, ये एक्सप्लेनेशन नोट कर लेना बेटा, स्वीट साउंडिंग वर्ड्स, जो स्वीट साउंडिंग वर्ड्स होते हैं उनके लिए यूज करा जाता है एडमंड स्पेंसर। एडमंड स्पेंसर की पोइट्री को मेलीफ्लुअसनेस पोइट्री कहा गया है। उसके विरोध में इनकी ड्रामेटिक पोइट्री है ना, बहुत ही सरप्राइजिंग, रफ कलक्वल रिदम्स का यूज करते हैं ना जॉन डन, बता रखा है मैंने। ठीक है, क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन। एनहाइलेटिंग ऑल दैट्स मेड टू अ ग्रीन थॉट इन अ ग्रीन शेड, ग्रीन थॉट इन अ ग्रीन शेड, एंड्रू मार्बल की पोयम है, ठीक है, द गार्डन है ये, एंड्रू मार्बल की कौन सी पोयम है? द गार्डन है, ठीक है, ग्रीन थॉट इन अ ग्रीन शेड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर नेट में पूछा हुआ क्वेश्चन, ठीक है। तो आइडेंटिफाई द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच, ओनोमेटोपेया, फिर दूसरा ऑप्शन है ट्रांसफर्ड एपिथेट, तीसरा ऑप्शन है मेलाप्रोपिज्म, चौथा ऑप्शन है यूफोनी, ठीक है। ग्रीन थॉट, हरा विचार हो सकता है क्या कोई? ग्रीन थॉट इन अ ग्रीन शेड, शेड को भी हरा कहा है, शेड माने परछाई, ठीक है। तो जब कोई एग्जैक्टली जो हम कह सकते हैं कि कोई एडजेक्टिव अपनी ओरिजिनल जगह से हटकर किसी और जगह पर लग जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? ट्रांसफर्ड एपिथेट, बिल्कुल, इसका जो करेक्ट आंसर है बी है, वेरी इंपॉर्टेंट, बी, ट्रांसफर्ड एपिथेट। सारे बच्चे देख लेंगे ट्रांसफर्ड एपिथेट का मतलब क्या होता है। ठीक है, रिप्लेसमेंट ऑफ एन ओरिजिनल एडजेक्टिव बाय अनदर एडजेक्टिव, नोट करेंगे, रिप्लेसमेंट ऑफ एन ओरिजिनल एडजेक्टिव, एपिथेट का मतलब एडजेक्टिव होता है, रिप्लेसमेंट ऑफ एन ओरिजिनल एडजेक्टिव बाय अनदर, रिप्लेसमेंट ऑफ एन ओरिजिनल एडजेक्टिव बाय अनदर एडजेक्टिव, क्लियर हो गया बट एपिथेट। अब बाकी के ऑप्शन भी सुन लेते हैं। ओनोमेटोपोया क्या है? ओनोमेटोपोया साउंड वर्ड्स, साउंड वर्ड्स बताए थे, जैसे मैंने बताया था हिस, इस तरीके के जो एनिमल साउंड्स होती हैं, कू कुकू, इस तरीके की जो साउंड वर्ड्स होती हैं उनको कहते हैं, तो ये हो गया। और मेलाप्रोपिज्म, मेलाप्रोपिज्म क्या बताया था भाई? मेलाप्रोपिज्म, मिसेस मेलाप्रोप करती थी ना ये, मेलाप्रोपिज्म में क्या होता था? ठीक है, मिस रिप्लेसमेंट ऑफ अ वर्ड, किसी वर्ड का ओरिजिनल प्लेसमेंट की जगह कुछ और हो जाता था, तो उसको हम क्या कहते थे? मेलाप्रोपिज्म, मिस रिप्लेसमेंट ऑफ वर्ड्स, ठीक है। याद है एग्जाम्पल, ध्यान से सुनो, ही इज द पिनेकल ऑफ पोलाइटनेस,
पाइनएप्पल की जगह पिनेकल बोल देगी। शॉर्ट शब्दों में इसको हम स्लिप ऑफ द टंग कह सकते हैं। बिल्कुल, तो ये शेरिडन ने अपने प्ले आई थिंक द अराइवल्स में क्रिएट किया था एक कैरेक्टर मिसेस मैलाप्रॉप, वहां से निकला मैलाप्रॉपिज्म। ठीक है, और बेटा यहाँ पर क्या है, यूफोनी। यूफोनी का मतलब क्या होता है, अगेन यूफोनी का मतलब स्वीट साउंडिंग वर्ड्स होते हैं, स्वीट साउंडिंग वर्ड्स, ऐसे वर्ड जो सुनने में बहुत अच्छे लगे। ठीक है, प्लेजेंट साउंड्स वाले वर्ड्स। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन फीचर ऑफ न्यू क्लासिकल पोइट्री, देखते हैं कौन बता रहा है। आज सुबह का ही टॉपिक है, इनमें से कौन सा एक कॉमन फीचर है न्यू क्लासिकल पोइट्री का। बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, वेल डन, आप लोगों के लिए बिल्कुल तालियां। ए इज द आंसर, ह्यूमन नेचर का इमिटेशन क्या है न्यू क्लासिकल पोइट्री का फीचर है। डिस्टेस्ट फॉर क्लासिकल लिटरेचर, क्लासिकल लिटरेचर के लिए डिस्टेस्ट होना ये तो बिल्कुल नहीं है इसका फीचर, और बल्कि क्लासिकल लिटरेचर से तो ये उसके लिए एक वो रखता है। यूज ऑफ ब्लैंक वर्स, ब्लैंक वर्स का यूज इसमें नहीं होता है, एलिजाबेथन पोइट्री में होता है। और लॉन्ग स्वेलिंग बॉम्बास्टिक फ्रेजेस ये भी क्रिस्टोफर मार्लो के प्लेस के लिए हम यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़े, तो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं हम। व्हाट इज अ प्लॉट, प्लॉट क्या है इनमें से। हाँ जी ट्राई करें, देखिए मैं बताता हूँ आपको ना, प्लॉट के बारे में पूछा है पहले, तो ये टॉपिक कहाँ से आ गया सर, कौन से टॉपिक से आपने हमारे लिए क्वेश्चन बनाया, तो मैं बता दे रहा हूँ, क्लाइमेक्स से बनाया। ठीक है, क्लाइमेक्स के टॉपिक से मैंने इनको उठाया है। तो प्लॉट के बारे में क्या है, देखो हु इज इन्वॉल्व इन अ स्टोरी, ये तो कैरेक्टर है ना, कैरेक्टर की बात हो गई। व्हाट हैपेंस इन अ स्टोरी, प्लॉट इज व्हाट हैपेंस इन अ स्टोरी, सो बी इज द करेक्ट आंसर। प्लॉट इज व्हाट हैपेंस इन अ स्टोरी, ठीक है, द थीम ऑफ द स्टोरी ये तो अलग चीज हो गई, और हाउ द स्टोरी एंड्स ये बताओ तो क्या था, हाउ द स्टोरी एंड्स के लिए क्या टेक्निकल वर्ड सिखाया मैंने। बिल्कुल, देखिए स्टोरी जहां एंड होती है बिल्कुल क्लाइमेक्स को हम उसको कह सकते हैं क्लाइमेक्स, और एक इसके लिए वर्ड रिजोल्यूशन भी कह सकते हैं हम। ठीक है, रिजोल्यूशन भी कह सकते हैं। ठीक है, क्लाइमेक्स और रिजोल्यूशन दोनों चल जाता है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं। अगर दोनों ऑप्शंस में आ जाएंगे तो आप रिजोल्यूशन करेंगे, अगर रिजोल्यूशन नहीं होगा ऑप्शन में तो आप क्लाइमेक्स कर देंगे। क्लाइमेक्स बेसिकली एंडिंग ऑफ द स्टोरी से ही रिलेटेड होता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 9th में आते हैं गाइस। एरिस्टोटल सेड ऑफ कोरस इन ग्रीक ट्रेजेडी दैट इट शुड बी ट्रीटेड एज वन ऑफ द एक्टर्स। कोरस मीन्स लिरिकल सॉन्ग्स इन द प्ले, सी ओनली फॉर कमेंट्री, और डी फिलोसफिकर, फिलोसफर एक्सप्रेसिंग सिंबोलिज्म। देखो एरिस्टोटल ने कोरस पर अपने विचार देते हुए क्या कहा है, ग्रीक ट्रेजेडी में कोरस का क्या काम होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपने पहले से पढ़ा होगा तभी निकाल पाओगे आप। थोड़ा ध्यान से देखना है, क्वेश्चन का सेंस भी समझना है आपने। ये सारे बच्चे इसका फैक्ट आपको देखना पड़ेगा, एरिस्टोटल ने कोरस के बारे में ग्रीक ट्रेजेडी में क्या बोला है ना, कि इट शुड बी ट्रीटेड एज वन ऑफ द एक्टर्स, इट शुड बी ट्रीटेड एज वन ऑफ द एक्टर्स, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो ये इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एलटी में हाई चांसेस हैं इस बार ना, एक बार बता दो आप लोग कि मैंने ये, हाँ नेगेटिव माना जाएगा, और वैसे भी नहीं, यहाँ पर फैक्ट क्या है कि अरिस्टोटल ने कोरस के बारे में ग्रीक ट्रेजेडी में क्या बोला है, कॉमेंट्री का यूज करता है वो, लेकिन अरिस्टोटल ने क्या बोला है ये पूछा है ना, तो हमें वही आंसर देना है। ये जो मैंने आप लोगों के लिए थोड़ा सा आज ये एमसीक्यूज का ओरिजिनल कलेक्शन लेकर आया, ठीक लग रहा है आपको, क्योंकि होली के ब्रेक के बाद शाम की क्लास है, थोड़ा आज अपने आप ही नेटवर्क इश्यूज और लाइट का भी प्रॉब्लम रहा, तो आई होप आप लोगों को 15 नए क्वेश्चन से कम 30 नए क्वेश्चन बनेंगे। ये 15 क्वेश्चन का मतलब है कि 30 नए क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, एक एक क्वेश्चन में ऑप्शंस को भी एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ ना। ठीक है, तो जैसे कि आनंद पिक्चर में कहता है ना वो, कि लाइफ जो है बड़ी नहीं बट अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चंस में आपका जो क्वेश्चंस का जो क्वालिटी है वो अच्छी होनी चाहिए, कई बार हम कम भी करें बट अच्छी क्वालिटी का करें, ओरिजिनल क्वेश्चंस हो, और आपको वहां पर दे मस्ट गिव यू सम फूड फॉर थॉट। ठीक है, सोचने को मजबूर करें वो क्वेश्चंस, तब आपको ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 10 में आइए। अकॉर्डिंग टू निज्जे कोरस इन अ ट्रेजेडी, निज्जे के अकॉर्डिंग, अब देखो फिर वहां ऊपर उसने एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग पूछा, यहाँ किसके अकॉर्डिंग पूछा है,
निज्जे के अकॉर्डिंग कोरस कैसा होना चाहिए ट्रेजेडी में? ठीक है, पॉलिटिकल फिलोसोफर होना चाहिए, सोफिस्ट होना चाहिए, व्यूअर ऑफ द विजनरी सीन होना चाहिए और स्ट्रॉन्ग क्रिटिक होना चाहिए। ये स्ट्रॉन्ग क्रिटिक, सोफिस्ट का मतलब मैं आपको बता दूं, सोफिस्ट का मतलब वैसे मैंने एरिस्टोटल का जब पढ़ाया था तब बताया था, जो पॉलिटिकल गपशप करता है उसको कहते हैं हम सोफिस्ट। ठीक है, सोफिस्ट का मतलब वैसे आंसर अभी नहीं बताया मैंने, जो पॉलिटिकल गपशप करता है उसको कहते हैं गपशप। ये इंग्लिश का भी वर्ड है गपशप, हिंदी में नहीं कहते हम गपशप, वो इंग्लिश में भी गपशप वर्ड यूज हो जाता है। ठीक है, तो खैर मैं आपको बता रहा हूँ उसका आंसर क्या है। इसका आंसर है बेटा सी, जो बच्चे सी कह रहे थे, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। व्यूअर ऑफ द विजनरी सीन, ठीक है, जो विजनरी सीन को फिलोसफिकली देख पाए उसको। ऑफिस एक नेगेटिव वर्ड है जिसका मतलब होता है क्लेवर बट फॉल्स आर्ग्यूमेंट करने वाला, पोलिटिकल उसमें यूज होता है क्लेवर, बट जो बहुत ही मतलब मैन्युपुलेटर होता है, जो बहुत ही होशियारी से अपनी बात को रख लेता है मगर उसकी आर्ग्यूमेंट्स फॉल्स होती हैं। फॉल्स आर्ग्यूमेंट समझ लेना, झूठी तर्कों का यूज करता है। ठीक है, तो सोफिस्ट वर्ड भी आ सकता है आपके एग्जाम में। आंसर क्या है इसका? सी, व्यूअर ऑफ द विजनरी सीन। तो निज्जे के अकॉर्डिंग कोरस ट्रेजेडी में एक विजनरी, एक दृष्टा का काम करता है, दृष्टा को देखने का काम करता है। ठीक है, तो मीडिया रेस, अगर हम मीडिया रेस की बात करें, इन द मिडिल ऑफ द थिंग्स, ठीक है, इज अ टूल टू एक्सप्रेस विच लिटरेरी डिवाइस। एक पॉइंट, ठीक है, मीडिया रेस किसको दिखाता है? ठीक है, ड्रामेटिक आयरनी को, ड्रामेटिक ओपनिंग्स को, ड्रामेटिक लिरिक्स को या ड्रामेटिक मोनोलॉग को? बताओ क्या होगा? पढ़ा रखा है मैंने, बहुत बढ़िया, काफी बच्चे मैं देख रहा हूँ सही भी कर रहे हैं। देखो मीडिया रेस मेनली कहाँ पर यूज करते हैं? एपिक्स में यूज करते हैं ना, मिल्टन ने यूज किया है पैराडाइज लॉस्ट में, मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट में यूज किया है ना। और बेटा इसका मतलब भी बताया था मैंने, इन द मिडिल। ठीक है, कौन से टॉपिक से उठाया मैंने? क्लाइमेक्स, वैसे मैंने ड्रामेटिक आयरनी से भी कह सकते हैं उठाया हो सकता है और क्लाइमेक्स से भी उठाया हो सकता है, बट आंसर इसका क्या होगा? बिल्कुल, ड्रामेटिक ओपनिंग्स को दिखाता है, नाटकीय किसी चीज की शुरुआत ड्रामेटिक ओपनिंग्स को दिखाता है। ठीक है, बट क्वेश्चन का देख रहे हो आप, इनडायरेक्टली क्वेश्चंस क्रिएट करें मैंने ताकि आपका एक एप्टीट्यूड डेवलप हो क्वेश्चंस को हिट करने का। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। आपको ये भी नहीं देखना है कि टॉपिक में मेरे ये टॉपिक है तो यही आंसर होंगे, आपको वहां पर क्वेश्चन के हिसाब से देखना है। मीडिया रेस शुरू कहाँ पर यूज किया जाता है? बिल्कुल स्टार्टिंग में ही किया जाता है ना, तो इसीलिए ड्रामेटिक ओपनिंग्स मैंने इसका आंसर लिखा। एग्जाम्पल नोट कर लेंगे, एपिक्स में मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट मीडिया रेस का एग्जाम्पल है। बिल्कुल, कहानी को बीचों बीच से शुरू करते हैं ताकि कहानी में लोगों का एक ध्यान स्टार्टिंग में ही बन जाए। चलो क्वेश्चन नंबर 12 में आओ। ओवर थिंकिंग कैन लीड टू अंडर डूइंग, बहुत अच्छी लाइन। ओवर थिंकिंग, मैं बता देता हूँ, ओवर थिंकिंग कैन लीड टू अंडर डूइंग, द अबव स्टेटमेंट सीम्स टू बी हमार्शिया ऑफ विच एलिजाबेथन हीरो। कौन से एलिजाबेथन हीरो का हमार्सिया है? भाई कौन सा एलिजाबेथन हीरो है जो बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करता था और जिसकी वजह से वो एक्शन नहीं ले पाता था? काफी, पूरी क्लास एक तरफ चल रही है, ठीक है, और वही आंसर भी है, हेमलेट। बिल्कुल हेमलेट, देखो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ना, जो हम लोग बता रहे थे, कमल भट्ट सर भी कह रहे थे बीच में और मैं भी कह रहा था कि आपसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा, कॉन्सेप्ट्स पूछ लेगा और देखो फैक्ट क्या है, हमार्शिया। लेकिन हमार्शिया का कॉन्सेप्ट उसने कैसे पूछा? आज की पूरी क्लास में आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट कैसा है, स्टेटमेंट कैसे उठाया और शेक्सपियर के हेमलेट से पूछ दिया। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको बहुत ज्यादा शार्प करेगी। आ रहा है समझ में? तो ओवर थिंकिंग कैन लीड टू अंडर डूइंग, ठीक है, ये आपका हमार्शिया के बारे में आ गया। तो व्हाट इज हमार्शिया गाइस? मिसिंग द मार्क। हमार्शिया का मतलब मैंने आपको बताया था, मिसिंग द मार्क, ठीक है, मतलब ट्रेजिक फ्लॉ, ट्रेजिक फ्लॉ। ठीक है, इसके दो तीन मतलब बताए थे आपको, ट्रेजिक फ्लॉ, FLAW।
ट्रेजिक फ्लॉ होता है। और इसके अलावा मैंने आपको क्या बताया था बेटा, ट्रेजिक फ्लॉ, और क्या बताया था, एरर ऑफ जजमेंट, बिल्कुल एरर ऑफ जजमेंट, ठीक है, एरर ऑफ जजमेंट भी बताया था, बिल्कुल। एक चीज क्वेश्चन आ रहा है बीच में, ये हमारे देखो एक क्वेश्चन आया है इसमें कि ड्रामेटिक, यहाँ पर क्वेश्चन था ऑप्शन में था, ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या है? तो देखेंगे सारे बच्चे बेटा, ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है, जब सिंगल स्पीकर होता है, इट इज अ पोएटिक डिवाइस। सबसे पहले तो क्या है कि सिंगल स्पीकर होता है इसमें, और इसमें मैंने आपको बताया कि सिंगल स्पीकर के अलावा और क्या होता है कि वो अपने जो है मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स को एक्सप्रेस करता है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स को एक्सप्रेस करता है, सिंगल स्पीकर होता है। और सबसे बड़ी बात है कि ये पोएटिक डिवाइस है, ये ड्रामा में नहीं लगेगा, 3 पॉइंट में खत्म है पूरी कहानी। इट इज अ पोएटिक डिवाइस, ठीक है, और इट इज यूज्ड व्हेन द सिंगल स्पीकर एक्सप्रेसेस हिज मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है, इनडायरेक्टली मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स को इनडायरेक्टली बताने का ये डिवाइस है, और इसके थ्रू कैरेक्टर की साइकोलॉजी को पता चलता है, कैरेक्टर की साइकोलॉजी के बारे में हमें पता चलता है। ये ड्रामेटिक मोनोलॉग का सबसे ज्यादा यूज ब्राउनिंग ने किया था, रॉबर्ट ब्राउनिंग ने किया, विक्टोरियन पोएट है रॉबर्ट ब्राउनिंग, उन्होंने, ठीक है, बेसिक लेवल पे इतना बहुत है फिलहाल। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो देखेंगे सारे बच्चे, किंग लियर एंड जूलियस सीजर, बहुत इंपॉर्टेंट 5 स्टार क्वेश्चन। किंग लियर एंड जूलियस सीजर द टू ग्रेट शेक्सपियरियन लेजेंड्स सफर्ड फ्रॉम ऑलमोस्ट सेम हमार्शिया, व्हाट इज इट, ठीक है, कौन सा वो हमार्शिया है जिससे सफर करता। जितनी मैं मेहनत से क्वेश्चंस को क्रिएट कर रहा हूँ उतनी मेहनत से आप लोग आंसर भी कर रहे हैं, ये देख के बड़ा अच्छा, आप लोग का एक अच्छा लेवल बन गया, ये देख के बड़ा अच्छा लगता है मुझे, बहुत अच्छी बात है भाई। देखो इसका आंसर है हुबरिस, हुबरिस, वेल डन, वेरी गुड। हुबरिस का मतलब क्या होता था, एक्सेसिव प्राइड, हुबरिस का मतलब क्या होता था, एक्सेसिव प्राइड, दोनों के पास बहुत ज्यादा घमंड है, ठीक है, एक्सेसिव प्राइड की वजह से दे सफर फ्रॉम, वी कैन से हमार्शिया, सॉरी हुबरिस मीन्स एक्सेसिव प्राइड, ठीक है, तो ये आपका हो गया। अच्छा, ब्लाइंडिंग पैशन, ओवर बियरिंग ग्लूम, क्रेडुलसनेस, ये बताओ क्रेडुलसनेस से कौन सफर करता है, कान का कच्चा कौन है, फोर ग्रेट ट्रेजेडीज में शेक, बिल्कुल बिना बिना सोचे समझे दूसरे की बात को मान लेता था, ठीक है, ओथेलो है, वेल डन, ठीक है, क्रेडुलस क्या है, ओथेलो है, ठीक है। ब्लाइंडिंग पैशन तो एज सच किसी का नहीं दिखाई देता मुझे, ठीक है, और ओवर बियरिंग ग्लूम, ओवर बियरिंग ग्लूम हम हमार्शिया तो नहीं कहेंगे बट ये क्वालिटी कहेंगे हम हेमलेट की, हेमलेट बहुत ज्यादा उदास हीरो है, ठीक है, ओवर बियरिंग ग्लूम है हेमलेट में। चलो आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में, ठीक है, ब्लाइंडिंग पैशन में वहां सीजर एंटनी एंड क्लियोपैट्रा कर सकते हो, एंटनी एंड क्लियोपैट्रा कर सकते हो भाई, इस प्ले में एंटनी का जो पैशन है क्लियोपैट्रा के लिए ब्लाइंडिंग पैशन है, बिल्कुल ये आ जाएगा क्वेश्चन, ठीक है, नोट कर रहे होगे सारे बच्चे, एंटनी एंड क्लियोपैट्रा, ठीक है। कुछ बच्चे पूछ रहे थे सर शेक्सपियर के दो ही प्ले हैं तो हमें बायोग्राफी पढ़नी पड़ेगी, भाई प्ले के अंदर से तो आएगा, बायोग्राफी को देखने में वो भी नहीं है क्योंकि शेक्सपियर से कुछ भी पूछ सकता है ना वैसे भी, ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन कभी कभी मैं उस पर बता दे रहा हूँ। डन के कैनोनाइजेशन में प्रोफेन लव, देखो मैंने बताया था सारे बच्चों को, जॉन डन हमारे कोर्स में एज अ ऑथर एलटी के कोर्स में, तो डन का कैनोनाइजेशन जो पोएम है उसमें प्रोफेन लव को वो कैसे ट्रीट करता है, प्रोफेन का मतलब होता है अनहोली, अपवित्र प्रेम, प्रोफेन का मतलब नोट कर लेंगे अनहोली, कई बार एंटी रिलीजियस भी कहा गया इसको, गैर धार्मिक। अब बताओ फटाफट, देखो इसमें काफी बच्चे गलत कर रहे हैं, एक ये वाला क्वेश्चन और एक जो है पहला क्वेश्चन, सभी ने गलत किया है, प्रोफेन लव वो कहता है डिवाइन लव को ही कह रहा है, स्पिरिचुअल पोएम है, बताया था मेटाफिजिकल पोएम, बिल्कुल पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, मेटाफिजिकल पोएम है, मेटाफिजिकल लव को उसने प्रोफेन लव कहा है, डिवाइन लव हो गया, यानी कि कंजुगल का मतलब तो कुछ पता भी है हम लोग को, पहले कंजुगल वर्ड का मतलब पता था हमें, कंजुगल मतलब दो तरफा, ठीक है, डबल साइडेड, जो दोनों तरफ से हो, तो एज सच उसकी कोई बात नहीं कर रहा वो,
अर्थली लव सांसारिक प्रेम, उसकी बात वो करता नहीं। ऑर्डिनरी लव और अर्थली लव एक ही चीज है, ठीक है। एक चीज और सुन लेंगे सारे बच्चे, ध्यान से सुनेंगे। जब भी कोई क्वेश्चन में दो ऑप्शन सेम होते हैं, पूरी क्लास मेरे साथ, जब भी किसी क्वेश्चन में दो ऑप्शन सेम होते हैं तो क्या दोनों में से कोई हो सकता है उसका आंसर? अनलेस बोथ वाला ऑप्शन ना हो, नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, ठीक है। याद रख लो उसको, इसको बिल्कुल आप एक फॉर्मूला बना के नोट कर लो। मैंने नेट के लिए भी ट्रिक बताई थी, एलटी के लिए भी बताई थी, लेक्चर में भी। अगर एक ही क्वेश्चन के दो ऑप्शन सेम हो और बोथ ऑफ द ऑप्शंस आर करेक्ट वाला ऑप्शन ना दिया हो, ये भी एक शर्त है, तब उसमें दोनों के दोनों नहीं होंगे। नोट कर लेना इसको कॉपी में, ठीक है। दोनों के दोनों नहीं होंगे अगर दोनों सेम है तो, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन में आते हैं। अ ग्रेट नियो क्लासिकल एपिक द रेप ऑफ द लॉक इज रिटन अराउंड डैश लाइंस ब्रोकन इनटू 5 कैंटोस, ठीक है। ये वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद रखना। ये एलटी के लेवल पे बेसिक लेवल का क्वेश्चन है कि 600 लाइंस में लिखा गया है, रफली 600 लाइंस का इसमें यूज है, ठीक है। कुछ बच्चे हमारे साथ बाद में जुड़े, उनके लिए भी जल्दी से मैं इसको मॉप अप कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखेंगे सारे बच्चे, बेटा ये टॉपिक्स पर हमारा एमसीक्यू था, रिनेसा, मेटाफिजिकल पोएट्स, नियो क्लासिकल एज, ड्रामेटिक आयरनी, क्लाइमेक्स, कोरस और हिमार्शिया। पहला क्वेश्चन में सभी ने ट्रैप किए थे। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर नन ऑफ दीज है, इसका करेक्ट आंसर है 14th सेंचुरी और पिट्रार्क, जो कि ऑप्शन में कहीं नहीं दिया है, तो इसलिए इसका आंसर नन ऑफ दीज होगा, ठीक है बेटा। 14th सेंचुरी और पिट्रार्क भर के भी दिया है ब्लैंक में मैंने। सेकेंड क्वेश्चन, चाइल्ड ऑफ द रिनेसा किसको कहा गया? रिफॉर्मेशन को कहा गया, जिसका अर्थ है प्योरिफिकेशन ऑफ रिलीजन। रिनेसा के इंग्लैंड में फादर चौसर हैं और रिफॉर्मेशन के इंग्लैंड में फादर वाइकलिफ हैं, ठीक है। इनमें से कौन सा प्रिंटिंग प्रेस जो है इसने हेल्प करी? तो गुटेनबर्ग प्रेस ने हेल्प करी। गुटेनबर्ग 1450s में स्थापित किया गया, गुटेनबर्ग के द्वारा, मेन्स जर्मनी में, MAINZ, मेन्स में, ठीक है। इसके अलावा ये वाली जो बुक है इसमें डी वाला ऑप्शन, ये फर्स्ट प्रिंटेड बुक इन इंग्लिश है, ठीक है। उसके बाद फिर फोर्थ क्वेश्चन, क्रॉशर की सेकुलर पोएम्स को डिलाइट्स ऑफ द म्यूज कहा है। म्यूज का मतलब गॉडेस ऑफ पोइट्री होता है। इधर मेटाफिजिकल पोएट्स की लिस्ट आ गई। आई एम द पोएट अगेंस्ट हुम हिज डन्स पोइट्री स्पेसिफिकली डिवोटेड, एडमंड स्पेंसर, और एडमंड स्पेंसर की मेलिफ्लुअसनेस, स्वीट साउंडिंग वर्ड्स, ग्रीन थॉट इन अ ग्रीन शेड, किसको कहते हैं बेटा? ट्रांसफर्ड एपिथेट को कहते हैं। ट्रांसफर्ड एपिथेट इसका आंसर है बी, और इसका मतलब क्या होता है ट्रांसफर्ड एपिथेट का? यहाँ पर दिया है मैंने, रिप्लेसमेंट ऑफ एन ओरिजिनल एडजेक्टिव बाय अनदर एडजेक्टिव, उसको हम ट्रांसफर्ड एपिथेट कहते हैं, ठीक है। मैलाप्रोपिज्म क्या है? मिस रिप्लेसमेंट ऑफ वर्ड्स है। और यूफोनी क्या है? स्वीट साउंडिंग वर्ड्स है। और ओनोमेटोपोया साउंड वर्ड्स को कहते हैं, साउंड वर्ड्स, जैसे श, हिस, इस तरीके से, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन फीचर ऑफ नियो क्लासिकल? आज ही पढ़ा, इमिटेशन ऑफ ह्यूमन नेचर, ठीक है। और इसके बाद फिर हमने बाकी के क्वेश्चन देख लिए। प्लॉट में मैंने आपको बताया था, प्लॉट मीन्स वट हैपन्स इन अ स्टोरी, ठीक है। और स्टोरी, हाउ द स्टोरी एंड्स, क्लाइमेक्स और रिजोल्यूशन को दिखाता है। एरिस्टोटल ने कोरस में ट्रेजेडी के बारे में, ट्रेजेडी में कोरस के बारे में क्या कहा है? इट शुड बी ट्रीटेड एज वन ऑफ द एक्टर्स। निज्जे ने इस पर अपने ओपिनियन क्या दिया है? व्यूअर ऑफ द विजनरी सीन होता है ट्रेजेडी में, कोरस जो काम करता है। मीडिया रेस का एग्जैक्ट जो है एक्सप्रेस क्या करता है, किसको दिखाता है? ये दिखाता है आपकी ड्रामेटिक ओपनिंग्स को, अचानक से जो ओपनिंग्स हो जाती हैं। और इसमें मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट में मीडिया रेस का यूज किया है। टॉपिक कहाँ से लिया है मैंने? ड्रामेटिक आयरनी और क्लाइमेक्स के टॉपिक से क्वेश्चन को मैंने क्रिएट किया, मीडिया रेस, ठीक है। और इसमें फिर बाकी के ऑप्शंस को एक्सप्लेन कर रहा था, तो ड्रामेटिक मोनोलॉग आया था। सिंगल स्पीकर मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स को इनडायरेक्टली दिखाते हैं, ब्राउनिंग ने शो किया है। पोएटिक डिवाइस का यूज करते हैं, इट्स अ पोएटिक डिवाइस। ड्रामेटिक मोनोलॉग इज अ पोएटिक डिवाइस, इट्स नॉट अ ड्रामेटिक डिवाइस, ठीक है। और ओवर थिंकिंग कैन लीड टू अंडर डूइंग, हेमलेट की कमी है। ट्रेजिक फ्लॉ, एरर ऑफ जजमेंट, मिसिंग द मार्क, इसका मतलब है। किंग लियर एंड जूलियस सीजर, दोनों की कॉमन क्वालिटी क्या थी? हुब्रिस का मतलब एक्सेसिव प्राइड। ओवर बियरिंग ग्लूम हेमलेट में है। ब्लाइंडिंग पैशन एथेनी में है, क्लियोपेट्रा को लेकर। क्रेडुलसनेस ओथेलो की है। डन के कैनोनाइजेशन में प्रोफेन लव किसको दिखाता है? डिवाइन लव को। और नियो क्लासिकल एपिक रेप ऑफ द लॉक कितनी लाइन्स में है? 600 लाइन्स में है। और कितने कैंटोज में है भैया? 5 कैंटोज में है। ये पहला एडिशन इसका 1712 में 2 कैंटोज में आया था,
ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है, और दूसरा एडिशन इसका 1714 में, 1714 में 5 कैंटोस में आ गया था। ठीक है, कैंटोस का मतलब क्या होता है? रिपीटेबल सेक्शन। कैंटोस का मतलब क्या होता है? पार्ट, किसी भी बड़ी कविता का वो हिस्सा जो दोहराया जा सके, उसको हम कैंटो कहते हैं। ठीक है, तो साथियों ये था आज का ताबड़तोड़ प्रेजेंटेशन, होप आपको अच्छा लग रहा होगा। आप में से कई सारे साथी हमारे सुराडी सर की क्लास में भी होंगे। चलते चलते आप लोगों के साथ दो लाइनें साझा करूंगा, थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है इन सारी लाइनों से। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि मोटिवेशन के अलावा सबसे बड़ी बात ये भी है कि हम लोग लाइफ में एज अ पोएट हमारा भी एक वो है, अस्तित्व है। और ठीक है, तो साथियों ये है कि असीर का मतलब होता है धूल। ठीक है, सब अपने अपने दियों के असीर पाए गए, असीर का मतलब करीब भी होता है, सब अपने अपने दियों के असीर पाए गए, मैं चांद बन के कई आंगनों में उतरा हूँ, मैं चांद बन के कई आंगनों में उतरा हूँ। फाजिल जमीली साहब। तो काम कुछ ऐसा करना है कि हम अपने अपने लिए ना जिए, जो भी हमसे हो पड़े हमारे आसपास के लोगों के लिए, हमारे आसपास की सोसाइटी के लिए, बहुत छोटा ही सही। जैसे मैं इवन ये कहूंगा कि जैसे हम खाना खाते हैं ना, कुछ भी पैकेट फेंक देते हैं सोसाइटी में, वो ही अगर हम सीख लें कि उसको ही छोड़ दें फेंकना, अपने मतलब एक जिसे कहते हैं गार्बेज को ही हम कई जगह फेंक देते हैं, तो छोटी छोटी चीजों को अगर आप देखेंगे तो सब अपने अपने दियों के असीर पाए गए, मैं चांद बन के कई आंगनों में उतरा हूँ। थैंक यू सो मच गाइस, कल मिलता हूँ पूरे जोशो खरोश के साथ।